स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहरें हैं, तो वहीं लोग अलग अलग तरीके से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का देवलोक गमन होने के बाद पूरे भारत में शोक की लहरें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी जी ने जो हमारी सनातन सभ्यता है उसको लेकर के बहुत बड़ा काम किया था, बड़े स्तर पर एक परिवर्तन शुरू किया था, जिससे करीब करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े थे और धर्म का लाभ ले रहे थे। कितनी बड़ी क्षति पहुंची है सनातन धर्म को। वो परम परमात्मा में विलीन हुए, वो हम सबके बीच में है, हमारे मध्य है। उनका एक एक शब्द, उनकी जो क्या बोलूँ, जो धड़कने हैं ना, जो उनके शब्द हैं, जो वो पीठ पे विराजमान थे, जो वो अधिपति थे, जो शंकराचार्य जो पीठ है ना, वो उसके अधिपति थे जी। तो लोगों को जो पहले सबसे पहले जो पता चला ना, पीठ क्या होती है, कौन कैसे बैठता है, लोग कैसे इस धर्म की संस्थापना करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, वो उसमें से एक थे। आप देखो ना, उनके 99 ईयर्स यानी 100 वर्ष हमारे भारत को आज़ाद हुए ही 70 वर्ष हुए हैं अभी, तो वो 100 वर्ष के, यानी उन्होंने वो वाली चीज़ भी देखी है जो आज़ादी से पहले। ऐसे लोगों के माध्यम से ही समझ लो हमारा देश, हमारा सनातन धर्म जिंदा है जी। लोग कहते हैं कि उनका निधन नहीं, वो परमपिता परमात्मा में विलीन हो गए हैं, वो हमारे साथ आज भी हैं, उनकी वाणी हमारे साथ है, जो कुछ उन्होंने हमें धर्म के निमित्त सिखाया है वो सब हमारे साथ है। तो वो उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी बातें, हमें उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो ये पीठाधिपति होते हैं ना, इनके जो शिष्य होते हैं, लोग कहते हैं वो पीठा, उन्होंने बल्कि हमारे अवगुणों को अपने अंदर लिया है, जो हम गलत काम करते हैं अगर हमने उन्हें गुरु मान लिया तो समझ लो उन्होंने शिष्य के सब अवगुण ले लिए, अपने अंदर ले लिए, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं अगर हम कोई भी कर्म करते जाएं भगवान को, तो गुरु हमारी वो चीज़, वो माध्यम, वो सीढ़ी भगवान से मिलाने वाला बनता है। तो ऐसे थे हमारे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी जो परम तत्व में विलीन हो गए हैं, सो ये जो क्षति पहुंची है संत समाज को, इसकी तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता, मगर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं अपने दर्शकों को, और राधिका जी ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया कि जो उनके बताया हुआ जो मार्ग है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जो उन्होंने कदम उठाया है, उसी मार्ग पर हम सब लोग चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।